स्वागत है दोस्तों ब्रांड की दुनिया में। के जेल से आ गए हैं वापस और एक बहुत ही हैरत अंगेज बात की है उन्होंने। हैरत अंगेज आप सबके लिए, मेरे लिए नहीं। विक्रम वेधा जो कि ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की आने वाली फिल्म है, अगले शुक्रवार को रिलीज़ हो रही है, वो KRK की आखिरी फिल्म रिव्यू होगा। जी हाँ, जेल में 10 किलो वज़न खोया क्योंकि खाया नहीं कुछ भी 10 दिनों तक, सिर्फ पानी पी पी कर जिए। पानी पी पी कर जीने से बात याद आई, तो मैं भैया क्या कहा था करो। सही पहचाने। रिफ्रेशर, यहीं खड़े रहो, यहीं क्या। विक्रम वेधा, ऋतिक रोशन, सैफ अली खान, एक और बॉलीवुड का कॉपीवुड। जी हाँ, कॉपीवुड। माधवन और दूसरे का नाम मुझे याद नहीं, अच्छा एक्टर है। मुझे उसकी एक फिल्म 96 था नाम या 93 था, बहुत इम्प्रेसिव लगी थी, जिसमें हीरोइन भी साउथ वाली, उसका भी मेरे को नाम याद नहीं। नाम याद है बताइए यार, जो देख रहा था। सेमेंथा भी थी उसी के एक और पार्ट में, बट ये वाला जो साउथ वाले की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी शायद विजय, वो एनाकोंडा है ना, इसका भी कुछ ऐसा ही नाम है, मुझे याद नहीं। कमल हसन की फिल्म में भी था अभी ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो कॉपीवुड वो फिल्म तो ठीक ठाक थी। विक्रम बेताल असल में तो एंसेस्ट्रल हिस्ट्री है भैया, हम हिंदुस्तानियों की जो पौराणिक कथाएँ कहते हैं उसका एक बहुत बड़ा भाग है। हमारा बचपन गुजरा है हमारे दादा नाना दादी नानी माता जी पिताजी, उनकी कहानियाँ सुनाते थे, बहुत मज़ा आता था। दूरदर्शन पे भी ये शो आता था, उसमें शायद अरुण गोविल जिन्होंने रामायण में राम का किरदार निभाया था, इसमें विक्रम थे। कहने की बात ये है कि भैया विक्रम वेधा कॉपीवुड का एक और कॉपी काम आने वाला है, और उसका क्या होगा अंजाम ये KRK बताना चाहता है। और ये सोच रहा है कि भैया जो फिल्में पिट रही थी अब तक बॉलीवुड की, उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ है, उसमें उसका हाथ है पर 0.5% का, बाकी जो हाथ है वो जनता जनार्दन का है, क्योंकि जनता की आवाज़ नकारे खुदा। KRK का आखिरी रिव्यू शुक्रवार शाम, अगले शुक्रवार शाम 7 बजे आएगा, देखिएगा ज़रूर, क्योंकि इसके बाद आपको KRK दोबारा देखने को नहीं मिलेगा रिव्यू देते हुए, क्योंकि उनकी हालत हो गई है खस्ता, बचने का नहीं मिल रहा कोई रास्ता। पंगे लिए थे सलमान, शाहरुख, करण, अक्षय, फलाना ढिमकाना, अब किसने लगाया उसको रस्ते, ये तो वक्त ही बताएगा। जानता हूँ मैं किसने लगाया, पर बताऊँगा नहीं। क्यों नहीं बताऊँगा ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और ये बताइए कि विक्रम वेधा का रिव्यू करूँ या नहीं। क्या ब्रह्मास्त्र की तरह उसकी भी चट्टी उतारूं, बताओ कमेंट सेक्शन में।